आपका पहला सवाल है, इतिहास का वे काल कौन सा है जिसमें मानव लिखना या पढ़ना नहीं जानता था? आपका ऑप्शन है ए ऐतिहासिक, बी आद्य ऐतिहासिक, सी प्राग्ऐतिहासिक, डी ताम्रपाषाण। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्राग्ऐतिहासिक। आपका दूसरा सवाल है, पाषाण काल में मानव किस चीज का हथियार प्रयोग करता था? आपका ऑप्शन है ए लोहा, बी पत्थर, सी तांबा, डी लकड़ी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डंडा पत्थर। आपका तीसरा सवाल है, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किस स्थान पर हुई? आपका ऑप्शन है ए सिंधु, बी हरप्पा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरप्पा। आपका चौथा सवाल है, किस स्थान पर पहली बार चावल के साक्ष्य मिले? आपका ऑप्शन है ए नासिक, बी पंजाब, सी इलाहाबाद, डी बनारस। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इलाहाबाद। आपका पांचवा सवाल है, कोशिका को सूखने से कौन बचाता है? आपका ऑप्शन है ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका द्रव्य, सी रसधानी, डी केंद्रक। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य। आपका छठा सवाल है, कोशिका भित्ति क्या चीज की बनी होती है? आपका ऑप्शन है ए सेलुलोज, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी काइटिन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सेल्यूलोज। आपका सातवां सवाल है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपका ऑप्शन है ए काइटिन, बी ग्लाइकेन, सी प्रोटीन, डी विटामिन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए काइटिन। आपका आठवां सवाल है, 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? आपका ऑप्शन है ए देवेंद्र फडणवीस, बी एकनाथ शिंदे, सी शरद पवार, डी उद्धव ठाकरे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एकनाथ शिंदे। आपका अगला सवाल है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपका ऑप्शन है ए धाराशिव, बी संभाजी नगर, सी मोहन नगर, डी कमल नगर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संभाजी नगर। आपका दसवां सवाल है, हाल ही में कौन चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? आपका ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, बी रोजर फेडरर, सी राफेल नडाल, डी एंडी मरे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। आपका लास्ट सवाल है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आपका ऑप्शन है ए मिलन के बनर्जी, बी सोली सुराबाजी, सी मुकुल रोहतगी, डी के वेणुगोपाल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी के वेणुगोपाल। साथियों, करंट अफेयर्स हिस्ट्री और बायोलॉजी का वीडियो रोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।